वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है पाकिस्तान मीडिया। मोदी साहब का पाकिस्तान आना हमारे मुल्क के लिए बहुत बड़ी बात होगी। अरे मोदी जी क्यों आ जाएंगे? मैं पता नहीं। तो चलो, ये तो अभी इनके वीडियो को देखेंगे तो पता चलेगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले, यस, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन एंड बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारी न्यू वीडियोज के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। एंड यस फ्रेंड्स, हमारा दूसरा चैनल, ट्विटर, इंस्टाग्राम अकाउंट, सबके जो डिटेल्स हैं वो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उनको भी सब्सक्राइब और फॉलो कर लेना। चलिए शुरू करते हैं। पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है, और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए। अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 खत्म करो, ये करो, वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया मगर बात करने के लिए तैयार है। मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं? और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे, क्यों? अंतिम वज़ीर-ए-आज़म मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। पाकिस्तानी मीडिया ने दोनों देशों के DGMO में हुई बातचीत के बाद तरह तरह के अनुमान लगाने शुरू कर दिए हैं, और उनमें से एक अनुमान ये भी है कि मोदी साहब इस साल के आखिर में सार्क सम्मेलन के लिए पाकिस्तान आ सकते हैं। इस बात का पता नहीं कि मोदी जी पाकिस्तान जाएंगे या नहीं, पर इस खबर से पाकिस्तानी मीडिया में खुशी की लहर दौड़ गई है और सारा मीडिया गदगद हुआ बैठा है। जफर हिलाली ने आज की वीडियो में ये बताया है कि मोदी जी का पाकिस्तान आना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और दूसरी तरफ भारत पाकिस्तान में सीज फायर की खबर आते ही पाकिस्तान ने राहत की सांस ली है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, सो गाइज लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। पाकिस्तान और इंडिया में ये जो अमन की मूव चली है, और अगर अमन कायम हो जाता है तो इस साल के आखिर में सार कॉन्फ्रेंस यहाँ इस्लामाबाद में हो सकती है और उसमें मोदी भी आ सकते हैं। कि जनाब अमन होता है और इस्लामाबाद में सार कॉन्फ्रेंस होती है तो मोदी वहाँ शामिल होंगे, जाएंगे, शरीक होंगे, तो इसके पीछे आप क्या देखते हैं? हम लोगों को अनाउंस करना चाहिए कि हम टॉक ऑन, हम नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। और मेरे ख्याल में मोदी का इधर आना बहुत बड़ी बात है। पहले तो उसे हमें अश्योरेंस दें कि ये सीरियस निगोशिएशंस होंगे, और हमारे लिए तो अमेरिकन एंगेजमेंट बड़ा जरूरी है। जैसे आप जानते हैं हमारी इकोनॉमिक हालत ऐसी है कि हमें हर किस्म की असिस्टेंस चाहिए। तो हमने और इंडिया ने मिलकर 2003 का अग्रीमेंट, जो कुछ नहीं है एक्चुअली, 2003 का तो अग्रीमेंट हमने ऑलरेडी साइन किया हुआ। हमने कहा हाँ भाई, ये जो 2003 का अग्रीमेंट है ये बड़ा अच्छा अग्रीमेंट है, लिहाजा हम इस पर अमल करना चाहते हैं। अमरीका भी खुश हो गया। अब देखते हैं अगला स्टेप क्या होगा। मगर एक चीज मैं आपको जरूर एक बात कहना चाहता हूं कि हमने जो कहा था और जो हमने किया है उसमें फर्क है। और देखिए, आपने कहा कि हिंदुस्तान जंग के इतना ये था और अब देखिए क्या बातें कर रहा है, मगर हमने जो कहा था और ये अग्रीमेंट, इसमें फर्क नहीं है। तो यही मैं आपको शुरू में कह रहा था कि ये अग्रीमेंट और हमारा जो स्टांस था इसमें ये फर्क क्यों है, और है एक फर्क। जैसे हिंदुस्तान का भी एग्रेसिव एटीट्यूड, हम ये इस पे अबाइड करना चाहते हैं, हम ये अग्रीमेंट पे अमन करना चाहते हैं, और वजह उसका ये है कि मेरे ख्याल में मुझे फिक्र ये लगी है कि सियाचिन में क्या हुआ। उन्होंने जाके हाईग्राउंड ले लिया सियाचिन में, बातें तो जरूर हुई मगर वेकेशन तो हाईग्राउंड से नहीं हुआ। मगर कारगिल में क्या हुआ, भागा भागा गया नवाज शरीफ क्लिंटन के पास, और क्लिंटन ने उसे क्या कहा, उसने कहा कि मेरे पास आने की तुम्हारी जरूरत ही नहीं है, अगर तुम हमारी इमदाद चाहते हो तुम पहले लिख के लाओ कि हम कारगिल के जो जो हिस्से हमने लिया था इंडिया से उधर से हम निकलेंगे। उसने कहा हाँ 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 हम निकलेंगे। उसने कहा अच्छा फिर आओ, फिर मैं सुलह करता हूं। अब मुझे एक फिक्र लगी है, सियाचिन से वो नहीं हटे मगर हम कारगिल से हट गए।
अब हमने कहा है इनको, जैसे शेख रशीद ने कहा है 370 खत्म करो, ये करो वो करो, फिर हम बात करेंगे। उन्होंने नहीं किया मगर बात करने के लिए तैयार है। तो क्या आपने जो सवाल उठाया है एक लिहाज से बड़ा मुनासिब सवाल है। अब क्या ये नहीं आपको फिक्र है जैसे मुझे है कि जब मोदी चाहे एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर दे, कुछ भी कर सकते हिलाली साहब, वो कुछ भी कर सकते, हिलाली साहब भी कर सकते, वो कुछ भी कर सकते। लेकिन मेरी राय सिर्फ यही है, मेरी राय ये है कि ये देखें, उसने कश्मीर में जो करना था कर लिया। अगर 370 वो बहाल नहीं करता है, अगर वो ही सूरत हाल रखता है, तो अब वो अमन का के या जो भी के, अब आप देखें ना, उससे कश्मीरियों को उनका हक तो नहीं मिलेगा। कश्मीरियों बेचारों पे तो जो जुल्म होने थे वो तो उसने कर दिए, लिहाजा उससे तो उसे वापस जाना चाहिए। अमरीका को भी उस पर यह दबाव डालना चाहिए कि आप पुरानी पोजिशन पे वापस जाओ। अब दूसरी बात ये लाली साहब, बिल्कुल सही कह रहे हैं, और बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप इस बात सुने एक मिनट, सब सही कह रहे हैं। अमेरिका की कोई अमेरिका उन पे दबाव नहीं डालेगा, इसलिए मैंने दो वाक्य सियाचिन का वाक्य मैंने दिया। मगर देखिए जब हमारे पे दबाव डालना आया, कितना दबाव डाला, और बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये कुछ भी हो सकता है उसे, मगर क्या है फिर वो वजह जो हम पीछे हटे हैं, और हटे हैं हम एक लिहाज से थोड़ा सा पीछे क्यों, और वो सिर्फ एक ही बात ये है, हमारी इकोनॉमिक हालत जो ऐसी है वो ऐसी है कि अमेरिका की गुडविल की जरूरत है। इसका मतलब नहीं है कि हम हट गए हैं, हम समझते हैं कि 370 खत्म नहीं हुआ है, हमें पता है कि एनेक्सेशन कश्मीर का हो गया है, हिंदुस्तान ने ले लिया है, और बगैर इसको वापस करें वो बातचीत उनसे रात नहीं होती। मगर जब अमेरिका हमारे पे दबाव डालता है और हमारे हालात ऐसे हैं, हमें कोऑपरेट कुछ हद तक करना चाहिए। जनरल शेख साहब, भारतीय वज़ीर आज़म मोदी अगर आते हैं पाकिस्तान, तो क्या हम माजी की तरह से एक दौरा समझेंगे? देखिए, जो तारीख बताती है वो तो यही है कि हिंदुस्तान वक्त गुजारता रहा है और मसले को हल करने की उन्होंने कोई कोशिश नहीं की। आप इसको यूं देख लें कि ये कश्मीर का तो बहुत बड़ा मसला है, पुराना मसला है, यूनाइटेड नेशन की करारदादे हैं, लेकिन सियाचिन का मसला ले लें, सर क्रीक ले लें, वो उससे कहीं छोटे मसले हैं। यानी जहां आपने आर्टिकल 370 किए, जब आप अपनी डिस्प्यूटेड टेरिटरी को यूनियन टेरिटरी बना के तो फिर पाकिस्तान में दौरा करने आएंगे, तो क्या मकसद है उसका, मतलब क्या है? आप अपना हल किया हुआ जो आपने सोचा था वो अपना हल करके कश्मीर को वो मुसलत करने के लिए आ रहे हैं? तो आज अगर आप बातचीत करने आ रहे हैं, लेकिन आर्टिकल 370 एब्रोगेटेड है, 35 एब्रोगेटेड है, तो मेरा ख्याल है कि सबसे पहले जरूरत यह है कि आप 5 अगस्त की पोजिशन पर वापस जाएं, फिर आगे अगर दौरा किया जाता है कुछ तो उसमें खलूसी नीयत नजर आएगी, उसके बाद आप कह सकते हैं, वरना तो उससे पहले मैं समझता हूं कि एक धोखा होगा, एक खराब होगा, जिसके पीछे हमें जाना मुनासिब नहीं। शायद अतीफ साहब ये बताइएगा कि अगर मोदी पाकिस्तान का दौरा करते हैं तो क्या उससे बर्फ पिघल सकती है, क्योंकि दुनिया में इस वक्त जो दबाव है तमाम ममालिक पे जहां जंगी कैफियत मौजूद है, क्या भारत भी ऐसा दबाव कबूल कर सकता है? क्योंकि अमन की बात तो हर तरफ की जा रही है, भारत ये जंगी जुनून कब तक ये राग रापता रहेगा? ये क्या बोल रहे हैं? वहां ये सोचती है और लीडरशिप ये समझती है कि उनके और हमारे मुल्क में गुर्बत और जो दूसरे मसाइल हैं उनको खत्म करना है। आपको कश्मीर के बारे में और कश्मीर की जो सिचुएशन है उसमें आपको जो दुरुस्तगी है वो लानी पड़ेगी कि दुनिया ने इस चीज से बहुत से नतायज अखज किए हैं और फिर ये दोनों मुल्क जौहरी ताकत रखते हैं। तो फ्रेंड्स, इनकी बातें सुन के तो मैं बोलूंगी कौन जाएगा अभी पाकिस्तान, ऐसे अगर वो बात कर रहे हैं, और फिर वही बात, फिर वही कश्मीर की बात, वो उनके पीएम भी जो इमरान खान, उनके पास भी कोई बात नहीं है, गोलमोल करके फिर कश्मीर पे वो आ जाते हैं। वैसे यहां पे भी जितनी भी इंटरव्यूज देखो, गोलमोल करके उनका कोई और नहीं है, बस कश्मीर का इशू है। और मुझे तो यही नहीं समझ में आता, और जिस तरह से ये बोलते हैं, कैसे बोल रहे हैं कि भाई इंडिया जो है, पहले तो उन्होंने कहा कि इंडिया अग्रेसर है, हर टाइम यही दिखा रहे हैं कि इंडिया लड़ाई चाहता है। फिर दूसरा उन्होंने ये बताया कि अब इंडिया जो है उसने स्टेप लिए हैं कि अमन हो, तो इंडिया अब अमन चाहता है। तो भाई कुछ समझ नहीं आता, एक जगह इंडिया लड़ाई चाहता है, इंडिया ने पहली स्टेप लिया है इस बार जो है अमन करने के लिए, तो दो खुद ही अपने उल्टे चीजें बोले। जो लड़ाई चाहता है वो फिर अमन क्यों चाहेगा, जो अमन चाहता है वो लड़ाई क्यों चाहेगा? इनकी बातें कोई सेंस नहीं बनाती। फिर कश्मीर इनको लगता है कि इनका था,
ये तो ऐसे प्रोजेक्ट करे कश्मीर इनका था, इनसे ले लिया गया है, और भाई 370 को जो है वो आप उसको करोगे तभी हम आपसे बातचीत करेंगे। भाई इंडिया तो नहीं करेगा, उनको पता है मोदी जी जो हैं वो तो नहीं करेंगे ये सब, तो इनको भी बहुत क्लियर है, वो कह रहे हैं वो उन्होंने जो करना था उन्होंने कर दिया और वो मानेंगे भी नहीं, उन्होंने बता दी है ये बात, पर हम फिर भी उनसे बातचीत करने वो जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? ऑब्वियसली आप लोग बहुत वीक हो गए हो, आपने शुरू से ही अपनी जो करेक्ट हर कंट्री का होता है कि अपनी वेलफेयर की बात करें, आगे बढ़ने की बात करें, उसकी जगह आपने जो डायरेक्शन की हुई थी वो थी लड़ाइयों लड़ाई करने की, दूसरी कंट्रीज में जो है डिस्टर्बेंसेस क्रिएट करने की। तो जब आपका फोकस अपनी कंट्री की डेवलपमेंट की जगह इस टाइप की अग्रेसिव और डिस्टर्बेंसेस दूसरी कंट्री में करने की थी और सारा पैसा वहां लगा देते तो कभी तो वो कैचअप होना था ना। अब इतने सालों के बाद अब वो कैचअप होके आपको उसका रिजल्ट दिख रहा है। जैसे कहते हैं ना, कई बार बोलते हैं कि बुरे काम का जो होता है बुरा नतीजा होता है, कई बार वो नतीजा उसी टाइम मिल जाता है, कई बार वो देर के बाद मिलता है। तो इस सिचुएशन में अब वो दिख रहा है और अब उसकी वजह से इतने मजबूर हो रहे हैं कि प्रेशर में आ रहे हैं यूएस के। जब भी कोई प्रॉब्लम होती है अमेरिका जाते हैं, जी हमें हेल्प करो, वहां से वो कहते हैं आपने ये गलत काम किया, पहले इसको फिक्स करो, फिर आके हम आपकी दोनों की बातचीत, इंडिया के साथ बातचीत करवा के थोड़ा पीस टॉक करवाने की कोशिश करते हैं, तो उनको फिर करना पड़ता है। ये तो बहुत क्लियर बातें हैं, पर ये जो भी है ये वो कहते हैं ना जैसे अपना ही स्टोरी बना दी कि भाई अपने आप को ठीक दिखाने के लिए, पर जो है वो तो सभी को पता है। पर मैं तो सुन के हैरान हो रही हूं भाई मोदी जी क्यों जाएंगे, ये सब सुन के तो मोदी जी को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। राइट, सो काफी मतलब इनके थॉट्स नेगेटिव थे, और जो भाई साहब हैं जिनको मिस्टर मोदी बोलना नहीं आता मिस्टर मोदी करते रहते हैं वो काफी नेगेटिव थे, क्योंकि इसीलिए उनके बीच में काट दिया था एक्चुअली उन्होंने, और उन्होंने कहा था सियाचिन में इंडिया ने कब्जा कर लिया, वो भी सही नहीं है कि सियाचिन में जो है हमने कब्जा नहीं किया, इनफैक्ट हमारे लोग 24 घंटे रहते हैं, आपके लोग रह नहीं पाते, पहली बात तो यह। दूसरा जो है बात कर रहे थे कारगिल की, तुमने हमारे एरियाज में आया हमने तुम्हें फाइट करके पीछे फेंका, इंडिया ने तुम्हारा कब्जा किया नहीं है, जब तुम बोल रहे हो कि हम नीचे उतर गए क्योंकि तुम हमारे एरिया में आए थे तो तुम्हें उतरना पड़ा, और तो ऐसे नहीं उतरे वॉलंटरिली, तुमको हराया तब तुम नीचे उतरे। और वहां पे तो हमारा भी थॉट यही है कि इंडिया को जब वो उनके एरिया में गए थे वापस नहीं आना चाहिए था, उनको पिनलाइज करने के लिए कि तुमने हमारे एरिया में क्यों कब्जा किया। उसके बाद ये 370 की बात करें कि डिस्प्यूटेड को टेरिटरी को उसमें इंडिया ने यूनियन टेरिटरी बना लिया। अरे भैया जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी आप लोग अपने मैप में दिखाते हो, राइट? अगर आप अपने मैप में दिखाते हो तो आप भी ट्रीट कर रहे हो उसे पार्ट ऑफ योर कंट्री, इसीलिए इंडिया भी ट्रीट कर रहा है अपनी पार्ट ऑफ कंट्री, तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? या तो ऐसा होता कि हर कंट्री जो है डिस्प्यूटेड एरिया को अलग से दिखा रही होती, नहीं, राइट? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड, इनके जो मैप देखते हैं पाकिस्तान का, उसमें एक पॉइंट पे तो उन्होंने पूरा कश्मीर दिखाते थे जहां पे पंगे पड़े थे, राइट? तो अब इंडिया ने यूनियन टेरिटरी बना के तो क्लियर कर दिया कि हमारा पार्ट हमारा, तुम्हारा तुम्हारा है, और इंडिया का ये भी अभियान है कि पूरा का पूरा हमारे पास वापस आना चाहिए। तो काफी इनके नेगेटिव थॉट्स हैं। उन्होंने एक पॉइंट पे ये एग्री किया था क्योंकि इनकी इकॉनमी का बुरा हाल चल रहा है इसलिए इनको अमेरिका की सुननी पड़ी है। वैसे तो है नहीं कि इनकी इकॉनमी इंप्रूव हो गई है, इकॉनमी तो और भी नीचे चली गई है, तो एक समय आएगा जैसे ही इंडिया की भी सुनेंगे क्योंकि इनकी इकॉनमी बहुत नीचे जा रही है। तो अच्छा वीडियो था। यस फ्रेंड्स, तो चलो आप भी शेयर करना अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।